गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू न्यू व्लॉग। तो मैं सुबह, आज है थर्सडे, तो आज है बाबा जी का दिन, तो मैं हर थर्सडे बाबा जी को नहलाती हूँ, उनके कपड़े चेंज करती हूँ। करने तो वैसे मैंने सबके, सारे भगवानों के कपड़े चेंज थे, बट मैं सोच रही हूँ नेक्स्ट वीक कर लूँगी, थोड़ा लेट हो गया है। इस बार मैं बाबा जी के कर देती हूँ सिर्फ, तो नेक्स्ट वीक सारे भगवानों के चेंज करूँगी। तो मैं बाबा जी को नहला कर ले आई हूँ, तो उनको पहना रही हूँ नए वस्त्र, मतलब साफ़ धुले हुए वस्त्र। तो हर थर्सडे मेरे पास दो मूर्तियाँ हैं साईं बाबा जी की, एक बड़ी है एक छोटी है, तो मैं दोनों के चेंज करती हूँ। तो मैंने देखो बाबा जी को, ये है मेरे पास बड़ी वाली मूर्ति जिनको मैं रेडी कर रही हूँ। ये देखो मूर्ति रेडी हो चुकी है, तो मैंने ऊपर रख दी है। अब मैं निकालूँगी छोटी वाली मूर्ति जो नीचे पड़ी है, मैं उनके भी कपड़े चेंज करूँगी। ये देखो, ये मेरे पास छोटी मूर्ति है बाबा जी की, मैंने सेम पहनाए हुए हैं पर्पल कलर के, और अभी भी मैं सेम ही पहनाऊँगी पर्पल कलर का बाबा जी का। बाबा जी को नहला लिया है मैंने, तो अब मैं चेंज पहना रही हूँ कपड़े। बाबा जी हो गए हैं रेडी, तो मैं इनको रख देती हूँ पीछे, पीछे बिठा देती हूँ इनको, इनका हार पहना के और मुकुट पहना के पीछे बिठा देती हूँ। तो मैंने रख दिया है पीछे, थोड़ा सा मंदिर ऊपर से मिट्टी आ जाती है, थोड़ा सा पूंज लेती हूँ। अब मैं जला रही हूँ जोत, जोत मैंने जला ली है। मैं कर रही हूँ पाठ, पाठ में थोड़ा टाइम लगेगा, वो मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगी। तो मैंने कर लिया है पाठ, तो मैंने अब मत्था टेक रही हूँ। पूजा मेरी हो चुकी है, तो पूजा के, मैं पूजा करके हटूँगी। मम्मी नहा चुके हैं, नहा धोकर रेडी हो चुके हैं, फिर मम्मी भी मत्था टेकेंगे। तो मैं आरती कर रही हूँ, उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है। देखिए पूजा मैंने कर ली है, आरती भी हो चुकी है, मत्था टेक लिया है। तो मैं हटूँगी, तो मम्मी भी जाएंगे, मम्मी पूजा करेंगे, तब तक मैं जल चढ़ा के आती हूँ तुलसी पे। जल चढ़ा के आऊँगी तो फिर तब तक मम्मी मत्था टेक लेंगे, तो उसके बाद मैं रखूँगी किचन में जाकर चाय। मैं जा रही हूँ जल चढ़ाने, तो जल चढ़ा के आ गई हूँ मैं, तो अब मैं जा रही हूँ किचन में। मैट बिछा के बैठती हूँ, तो मैंने वो तय करके रख दिया है। अब मम्मी आए हैं मत्था टेकने, मम्मी मत्था टेक रहे हैं। मम्मी प्रॉपर तरीके से टेकते हैं, थोड़ा टाइम लगाते हैं, पर मत्था टेक रहे हैं। मैं किचन में बना रही हूँ चाय, मैंने गैस पे रखी हुई है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने गैस पे रख दिया है फ्रेगरेंट चाय का, तो चाय मेरी बनकर रेडी है। तो आओ सब मिलकर पीते हैं चाय। तो चाय मेरी बनकर रेडी है, तो मैं पी लूँ चाय। डब्बा भी मैंने ले लिया है, तो अब मैं करने लगी हूँ कपड़े प्रेस चाय पीने के बाद, क्योंकि जब तक टाइम है अभी, तब तक ब्रेकफास्ट बनाने से पहले मैं एक घंटा है, तो मैं कर लेती हूँ कपड़े प्रेस। कपड़े बहुत सारे हो जाते हैं, एक दिन धो तो एक दिन प्रेस करो, साथ साथ समेट लेती हूँ मैं, नहीं तो नहीं करूँगी तो काफ़ी सारे हो जाएंगे। तो कपड़े प्रेस कर रही हूँ मैं, बच्चों के भी मैं प्रेस करती हूँ, नाइट सूट भी सब प्रेस करती हूँ, क्योंकि कपड़े मुड़ जाते हैं, सीधे ही सही लगते हैं। तो कपड़े प्रेस करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मेरे कपड़े प्रेस हो चुके हैं, कपड़े काफ़ी सारे हो जाते हैं, गर्मी है, गर्मियों के कॉटन के कपड़े मुड़ जाते हैं। बिछाई है मैंने, बिछाई है देखो येलो कलर की बेडशीट, कितनी सुंदर लग रही है, बिल्कुल साफ़ सुथरा बेड लगता है ये। दोपहर के लंच करने के बाद बच्चे शाम तक बिल्कुल ख़राब कर देते हैं बेडशीट, कुछ ना कुछ गिर ही जाता है बेड पर बच्चों से। तो अभी मैंने बिछाई है जस्ट, अभी तो लग रही है बिल्कुल साफ़ सुथरी। तो मैं कपकेक लेके आई थी बच्चों के लिए, तो बच्चे कर रहे हैं पार्टी कपकेक की। बच्चे कह रहे हैं देखने में अच्छा लग रहा है, खाने का मन नहीं कर रहा, दिल तो कर रहा है इसको सजा के रख दो। और ये है, क्या बोलते हैं उसको, जैम्स, जैम्स विद जैम्स केक, एक सब खा रहे हैं बच्चे,
क्योंकि शाम को बच्चे का होता है स्नैक्स टाइम, तो बच्चे खाते हैं खुश होके। अब इसमें सारी जैम्स इसने ऊपर से खा ली हैं बच्चों ने, तो अब ये खाली दिखा रहे हैं, देखो हमारा केक कैसा है। विहान तो कह रहा है देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, दिल नहीं कर रहा इसको कि खाएं हम। तो बच्चों को ऐसी चीज़ें अच्छी लगती हैं। विहान को मिली थी बैंगल्स की हैंगिंग एक्टिविटी, तो मैं उसकी एक्टिविटी में हेल्प कर रही हूँ। ऑलमोस्ट एक्टिविटी में हेल्प क्या करनी, तो पेरेंट्स को ही पड़ती है। तो प्रॉब्लम तो मदर्स के लिए है, तो मैं बना रही हूँ उसके लिए बैंगल्स का। तो मैं सारी ऊन उस पर लेयर लपेट रही हूँ, तो ये लपेट के मैं रेडी कर दूँगी। बाकी मैं एक्टिविटी दिखाऊँगी आपको कल, जब पूरी मेरी रेडी हो जाएगी। तब तक ध्रुविका मेरा वीडियो बना रही है और मैं लगी हुई हूँ बनाने में, तो मुझे पता भी नहीं है ध्रुविका ने मेरा वीडियो बनाया। तो ये देखो मैंने इतनी सारी बैंगल्स बना ली हैं, मल्टी कलर की, अलग अलग कलर की। स्टोन्स डेकोरेट करने के लिए देखो, ये मैंने मम्मा ये मैंने इसलिए रखे थे स्टोन्स, मैंने मालाएं तोड़ के ये स्टोन्स इकट्ठे करे थे, मैंने इसलिए इकट्ठे करे थे स्टोन्स। मैंने सोचा मैं सबकी मालाएं बनाऊंगी, और ये स्टोन्स मम्मा ने पूछा तेरे पास स्टोन्स पड़े हैं, मैंने बोला पड़े हैं, तो फिर मैंने ये दिए मम्मा को सारे स्टोन्स। मम्मा ने डेकोरेट करना था वो वॉल हैंगिंग वाला। मेरे पास एक और चीज़ है देखो, ये एक हैंड है मेरे पास छोटा सा, ये देखो ये हैंड है एक छोटा सा, और ये छोटा सा है जाजी पे मेहंदी भी अड़ी हुई है। हाँ देखो ये सारे स्टोन्स है, और ये है माला का, ये भी निकला और ये भी है, ये चमकीला स्टोन, ये भी है, ये छोटे बड़े दोनों स्टोन्स है, और ये भी है ब्लैक। मेरे पास ब्लैक कलर के भी स्टोन्स है थोड़े बहुत, ये देखो। ये देखिए मेरे, मैंने सबको अटैच कर लिया है, सब पे पहले ऊन लपेटी है, फिर सब बैंगल्स को मैंने अटैच कर लिया है। तो ये देखिए ये बनके कितना सुंदर लग रहा है। अभी मैं इसको डेकोरेट करूँगी, इस पर स्टोन्स लगाऊँगी, मोती लगाऊँगी, तो बहुत अच्छा लगेगा ये पूरा बनके। तो मैं इसको आपको रेडी करके दिखाऊँगी कल। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अच्छे अच्छे कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।